नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश यादव आज के ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूँ। मैं अभी कंपनी में हूँ और 3 बजने को हैं, ख़त्म होती है आज की शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट। ये पावर प्लांट का टरबाइन है, बैक प्रेशर टरबाइन, प्लांट शट डाउन है अभी। 3.5 मेगावाट की टरबाइन है। मैं अभी कंट्रोल रूम से वीडियो बना रहा हूँ, तो कंट्रोल रूम है डीसीएस, पावर प्लांट का कंट्रोलिंग रूम। और ये बैग है हम लोग का रखने का, बैग उठाना है और चलना है। इसका बाहर नज़ारा बहुत तेज बारिश हो रही है। इसका नज़ारा सबको अच्छा लगता है। एक दोस्त ने कमेंट किया था कि सर अपना कंपनी का कुछ व्यू दिखाइए, तो मैं कंपनी से घर जा रहा हूँ, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। पूरी कंपनी का तो एक वीडियो में समेटना संभव नहीं है, कुछ व्यू आपको जाते जाते कंपनी से घर दिखा दे रहा हूँ, है ना। ये सामने सिक्योरिटी गार्ड रूम है और ये पावर प्लांट का गेट है, मगर हम लोग का आउट मेन गेट से होता है, इन और आउट मेन गेट से ही होता है। इधर चिमनी का कुछ पार्ट खड़ा हुआ है, अंदर साइड में चिमनी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, कुछ चिमनी पड़ी हुई है इधर, उसके पार्ट। बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बारिश का भी देखते चलिए। एक दोस्त मेरा, एक इंजीनियर, उसने छुपा था तेज़ बारिश हो रही है, रेन कोट तो पहना है और उसने छुपा था चिमनी के अंदर कुछ देर के लिए। और चलिए आगे दिखाते हैं। इधर है डीएम प्लांट लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में जो प्लांट दिख रहा है वो एसएस प्लांट है, सोडियम सल्फाइड प्लांट। इधर से अब जितने प्लांट आपको दिखेंगे वो केमिकल साइड के ही प्लांट है, प्रोसेस साइड के। ये मलबा पड़ा हुआ है, सिविल का काम हो रहा है। ये लेफ्ट में जितने हरे लाल डब्बे दिख रहे हैं डीएम प्लांट के केमिकल वाले ड्रम हैं। पानी बहुत है, मेरे दोस्त का पैर भी डूबा हुआ है, जूता भी डूब गया है। फिर ड्यूटी आगे से जाते आपको हुए मैकेनिकल एक स्टोर कूलर मिलेगा, पानी पुराना भर वाला। गया, पूरी वो पुराना वाला अभी नया बना बारिश हुआ का है मेन पूरा गेट मजा साइड में। मिल ये रहा आपको है। आगे जो दिख रहा है प्लांट लेफ्ट साइड में, जहाँ से हम लोग टर्निंग लेंगे, ये यूटीपी प्लांट है। प्लांट में पूरा पानी पानी हो गया है। ये लेफ्ट साइड में यूटीपी ये प्लांट देखिए ब्लैक बारिश का स्टोरेज टैंक दिख रहा है वाटर रिव्यू, का, और ये ये पूरा एसएस पानी का ही गिर टैंक गया। है राइट साइड में। केमिकल कुछ स्टोर करके रखे जाते हैं, टूटा तो लिक्विड ये केमिकल। पूरा रुक गया आगे सावर है, स्पॉट इमरजेंसी सावर, केमिकल पर, स्पॉट से का छींटा पड़ने पर आप नहा सकते हैं। स्पॉट से है और रुक गया। ये लेफ्ट साइड में जितना ये चिमनी की तरफ दिखा रहे, प्रोडक्शन प्रोडक्शन हाउस है, प्रोडक्शन निकलता है उधर से, प्रोसेस प्लांट है। ये देखिए आग से बचने के लिए फायर फाइटर भी लगाया गया है। इधर कंप्रेसर रूम है, केमिकल साइड का गोनी में आपको सॉलिड केमिकल भी दिख रहा है, अभी तो भीग रहा है वो। बारिश इतनी तेज है कि इसकी धार आपको दिख रही है व्यू में। दोस्तों पानी का कोई कलर नहीं है, ये रंगहीन होती है, पर सबके लिए एक जीवन देने का काम करती है। ये सॉलिड केमिकल एक बार और देख लीजिए, इधर बाजू में ब्लैक मैट से ढके हुए हैं, ये भी सॉलिड केमिकल ही हैं। ये लॉरी है, लेबर लोग के काम में बहुत सहायता करती है, इसमें
सामान रखते हैं वो लोग और एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करते हैं। जा रही है पानी की धार। दोस्तों केमिकल साइड में ऑयल फायर बॉयलर भी हैं, उसका ये ऑयल टैंक है। ये इधर पावर प्लांट का चिमनी आपको दिख रहा है दोस्तों, और इधर आपको दिखेगा फिर कुछ सॉलिड केमिकल। इधर ऊपर साइड में जो स्ट्रक्चरल दिख रहे हैं वो स्टीम लाइन के हैं, और ये हरी हरी जो लाइन दिख रही है वाटर की लाइन है, ये वाटर की लाइन है। उसके नीचे एक पंप है, पंप से सप्लाई होता है, चालू है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ये आपका बोरवेल वाटर टैंक है, वाटर स्टोर करके रखा जाता है फिर यूज किया जाता है। ये भी आपका टैंक दिख रहा है वाटर टैंक, ये भी है। और आगे आपको भी दिखाता हूँ कुछ मलबे पड़े हुए हैं राइट साइड में। ये आगे एक कंटेनर खड़ा है, राइट साइड में ऑक्सीजन सिलेंडर दिखता है। इसके बाजू में ही वर्कशॉप है कंपनी का, और ये इधर कंपनी एक नई बन रही है, उसका खिड़की का स्ट्रक्चर है। ये धर्म कांटा है, गाड़ी का वेट किया जाता है। और आगे आपको आग से बचने के लिए यंत्र रखे हुए हैं, बाजू में कुछ सिलेंडर भी है। और डीजल सेंटर है, मीथेन का सेंटर है। जल्दी से आ गया सिक्योरिटी गेट है, अटेंडेंस लगता है। ये आईडी कार्ड अटैच किया जाता है 3 बजने को, गार्ड साहब हैं। मेरा भी आउट कर दीजिए आप, रमेश यादव भी आउट कर। यारों का पानी है, और ये हमारा भारत देश का तिरंगा झंडा, जय हिंद। पानी पीने की सुविधा भी आ रही है, यहीं से सभी डिपार्टमेंट में पानी सप्लाई होता है। ये पार्किंग गाड़ी वाला, और उसके लिए सिक्योरिटी गार्ड भी है, उसके देखभाल के लिए। इधर पूरा है, इधर टू व्हीलर पार्किंग है, ये सिक्योरिटी ऑफिस। ये आ गया कंपनी के बाहर, और ये देखिए कंपनी के बाहर का व्यू। आजू बाजू बहुत सारी कंपनियां हैं। ये कंपनी के बाहर आ गया, इधर ये है कंपनी, अंदर कंपनी में जाने का रास्ता। मेन गेट ये यूटिलिटी पार्ट है, और ये केमिकल साइड का कूलिंग टावर है, बहुत सारे फैन हैं। और सारे कितने सारे कूलिंग टावर, 4, 5, 6 मेरे को दिखाई दे रहे हैं। भरी बरसात में केमिकल साइड में बहुत सारे फैन हैं, कूलिंग टावर फैन। और ये देखिए आगे का भेजते हुए जा रहे हैं हम आगे रोड पे। दोस्तों बहुत तेज बारिश हो रही है, देखिए कितना मस्त पेड़ पौधा इतने अच्छे लग रहे हैं पेड़ पौधे। ये है इधर देखिए हरियाली, बारिश के सीजन में कितनी अच्छी लगती है। ये देखिए हमारे कंपनी में एक मस्त इतना मस्त दिखा है। ये नारियल का वृक्ष है, इधर पूरा बारिश हो रहा है इस साइड।
पूरा बारिश है इधर। इधर नया घर बन, नया कंपनी बन रहा है कंस्ट्रक्शन। दोस्तों वैसे मैं गाड़ी से जाने वाला था, गाड़ी लगी थी, वीडियो बनाना था मेरे को, इसलिए वो अच्छे आए और इसलिए व्यू को कवर करने के लिए मेरे को पैदल जाना 10 मिनट का यहाँ से मेरा पड़ता है। मैं पैदल ही चल दिया व्यू बनाने के लिए, आपको आजू बाजू क्या पड़ते हैं मेरे कंपनी से घर जाने के बीच रास्ते में इधर साइड में एक नहर है, नहर में भी पानी सुबह में तो भर गया था, नहर में पानी आ गया, अभी भी पानी लबालब भरा हुआ है। गई दिखाता हूँ आपको, गाड़ी जा रही है, कंपनी के लोग जा रहे हैं। बारिश हो रहा है, और कंपनी पूरा गाड़ी भर गया। इधर भी बारिश, चलो आ रहा हूँ। एक मित्र जा रहा था, बोला लिफ्ट दे रहा था, बोले चलो आ रहा हूँ। गुजरात में 15-20 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है, इधर देखिए पानी ही पानी। पूरा पावर ग्रिड की तरफ पूरा पानी भर गया। ये कितना मस्त व्यू, ये पूरा बारिश हो रहा है। घर चाय पी रहे हैं लोग, पूरा बारिश रहा है। इधर बगीचा भी है, इधर कितना मस्त बगीचा। ये आ गया अपना कस्बा, इधर ढेर सारे आम के बगीचे दिखेंगे आपको। घर से कंपनी या कंपनी से घर जाते हुए एक भोलेनाथ का मंदिर मिलता है, दो मंदिर मिलते हैं यहीं पे, रोज प्रणाम किया जाता है भोलेनाथ को, फिर ड्यूटी के लिए जाया जाता है। हर हर महादेव, एक बार कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा आप, आम का बगीचा भोलेनाथ के अगर आप भक्त हैं, उनको मानते हैं सच्चे दिल से। ये कंटेनर आ रहा है, इधर GIDC एरिया है दोस्तों, तो कंटेनर ट्रक का सिलसिला, आने जाने का सिलसिला चलता ही रहता है। आ गया रोड, ये नारियल, ये देखिए भारी वाहन के आवाजाही से रोड थोड़ा दब गया है। अभी मैं घर जाऊंगा तो चाय पीऊंगा, उसके लिए मेरे को दूध लेना पड़ेगा डेयरी से। चलिए डेयरी में चलता हूँ, डेयरी सेंटर पे। मैं शॉप पे आ गया हूँ, इधर देखिए आपको ढेर सारे बिस्कुट दिख रहे हैं, वेफर दिख रहा है, और ये गुड्डे। थोड़ा दूध दीजिए, कूल डाल। मैंने ले लिया बिस्कुट दूध,
मेरे को रोड उस पर जाना है। गाड़ी गाड़ी ड्यूटी से आया? ड्यूटी से आ गया। कितना बजे तक? ड्यूटी अपना 3 बजे तक। अभी खत्म, आज का ड्यूटी खत्म। 7 बजे? हाँ 7 बजे। ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है, दोस्तों ये मेरे बिल्डिंग के बाजू में रहते हैं, इन्होंने लिफ्ट दे दिया। यहाँ से 2 मिनट का रास्ता है अपना घर। दोस्तों जिस वाहन पे मैं बैठा हूँ ये इलेक्ट्रिक वाहन है, बैटरी से चलती है, थ्री व्हीलर की इलेक्ट्रिक वाहन है ये। चलो दोस्तों फाइनली मैं अपने घर को आ गया कंपनी से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ बने रहने का।